जल जीवन है, ये हम सब जानते हैं, हम कहते भी हैं, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े अक्षरों में। जब भी कोई भी जागरूकता कार्यक्रम होता है तो हमेशा हम यही बताते हैं, मगर क्या हम उसे बचाने की वाकई कोशिश करते हैं? अपने आसपास झांकिए तो, क्या माँ गंगा कहकर हजारों टन कचरा जब आप गंगा नदी में गिराते हैं तब आपकी श्रद्धा कहाँ जाती है? जब आपके प्राचीन साहित्य में क्षीर सागर का उल्लेख है, जहाँ पे खुद भगवान विष्णु विराजमान हैं, आप उसी क्षीर सागर के समुद्र में अपनी तमाम गंदगी गिरा रहे हैं, तब आपकी भक्ति कहाँ है? ये सोचने वाला विषय है, सोचने का समय है। रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। जल को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो हम हैं, जल है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारा भविष्य है। आज रंगधारा के तहत हमारे इस प्रस्तुति में हमारी टीम ने इस स्थिति को, इस समस्या को उठाया है, जल में प्रदूषण, और यह भी कि हमारी उपेक्षा के कारण यह स्थिति हो गई है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, आप खुद ही देख लीजिए। आज की जो जलधारा है, इस प्रस्तुति की कमान प्रियंका के हाथ में है, तो प्रियंका ही आपको बताएंगी। मैं ये बता दूं, ये सारी परिकल्पना बच्चों की है, सब कुछ उन्होंने ही किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए और जल बचाइए, क्योंकि जल है तो कल है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ शुभ सृजन युवा मंच पर। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस मंच पर हम जीवन की जलधारा सुनने वाले हैं। जल, जल के संदर्भ में क्या कहूँ, उसके एक एक बूंद में जीवन है। अगर जल के अस्तित्व की बात करें तो उसका अस्तित्व हमसे पहले है। आप सभी जल के महत्व से भली भांति वाकिफ है, इसीलिए मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सभी युवा कवित्रियों को। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। हम जैसे जैसे जीवन धारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जल धारा के संकट नजर आते दिखाई दे रही है। इसीलिए हम सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। तो आइए उसी संदर्भ में हम सुनते हैं शुभ सृजन युवा मंच द्वारा आयोजित जल धारा। जल बचाइए, जीवन बचाइए। धन्यवाद। कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाज सजनिया। ये मंद हवाओं की सहमी हुई थपकियां, तंद्रालस में डूबी प्रकृति की सहेलियां। ये ढलता हुआ दिन सुकून देती ये संध्या, ये लाल सूरज, ये सफेद चांदनी, ये आती हुई संध्या की नई मृदुल रागिनी।
अजल, तुम सबको प्राण कथा सुनाने आया हूँ। पहले मुझे पीते थे नदी से लाकर, फिर तालाब से, फिर कुएं से, फिर चापाकल से, फिर पंप नल से। देखो छोटा होता जा रहा है आकार। मुझे डर है कि कहीं खत्म ना हो जाऊं एक दिन। मेरा खत्म होना तुम्हारा खत्म होना है। जल, जल एक ऐसी धारा है जिसे न प्रकृति बांध सकती है, न ही हम मनुष्य इसे कैद कर सकते हैं। इसकी लीला तो इतनी निराली है कि यह जिस भी बनावट में ढलता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जल यानी नील नारी का स्वरूप, कोमल, शीतल और समर्पित, किंतु शक्ति में है यह अधिश्वरी, जो कर सकती है इस अग्नि को भस्म। जल की तरह नारी की ढल जाती उसी रंग आकार में जिसमें यह मिल जाती, दिखाती अपने नए रूप, कभी तालाब में दर्पण बनकर, शिखा की शोभा बनकर, सागर लहरों का चमकती अलंकार बनकर। मैं नारी हूँ, है यहाँ हर जगह विद्यमान, हर अस्तित्व में अस्मित, अतुल्य जीवन संकल्प लेते हैं, पानी को बचाने का, जीवन को बचाने की। चलो आओ एक संकल्प रखते हैं, शहरों को नई हरियाली देने की। हाँ, हर पल एक संकल्प जगाते हैं, अपने धरोहर को बचाने की, अपने अमृतत्व को संजोने की, पानी और मनुष्य को बचाए रखने का।